नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग एंड वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि हमारे एक्सेल में आपको अलग अलग जगह पे रोज और कॉलम ऐड करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसके अलग अलग शॉर्टकट्स क्या है और इसको किस तरह से करना होता है। लोग कर देते हैं ये चीज़ें, बट इसके वजह से उनका डेटा है ना, वो हिल जाता है कभी कभी और आपके कैलकुलेशंस गलत आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज एकदम लाइव करके दिखाऊंगा कि अपने डेटा के साथ अपने रोज और कॉलम ऐड कैसे करने हैं और डिलीट कैसे करना है। ये समझने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहे और इस वीडियो को अच्छे से समझ ले। तो दोस्तों, अपना टाइम, अपना वीडियो शुरू करते हैं, जरा सा भी टाइम ना गवाते हुए रोज और कॉलम। दोस्तों, शुरू करते हैं रोज और कॉलम किस तरह से ऐड और डिलीट करने होते हैं। दोस्तों, आपको अगर ई के पहले एक कॉलम ऐड करना है तो ई पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आप इंसर्ट का बटन दबा दीजिए तो इमीडिएटली सिस्टम को पता चल जाएगा कि आपको कॉलम ही ऐड करना है, क्योंकि आपने कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लिया था। जैसे कि मैं जाता हूँ और एफ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ। देखो, एफ पे जाके मैंने यहाँ पर एक सेल पे रखा, सेल पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इंसर्ट दबा दिया। तो सिस्टम यहाँ पर कंफ्यूज है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपको रो ऐड करना है कि कॉलम ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर उसको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपको एंटायर रो ऐड करना है कि एंटायर कॉलम ऐड करना है, कि शिफ्ट को, ये सेल को आपको शिफ्ट करना है। मैं अभी आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। ये सेल आपको पहला ऑप्शन दे रहे थे शिफ्ट सेल राइट, तो शिफ्ट सेल राइट करोगे और ओके करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक सेल राइट में मूव हो जाएगा। अभी मैं वापस अभी यहाँ पर नीचे वाले सेल पे लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पर हम लोग इसको इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट में यहाँ पर है शिफ्ट सेल राइट देखा था, अभी शिफ्ट सेल डाउन कर देते हैं। शिफ्ट सेल डाउन करेंगे तो देखो अभी क्या होगा, आपका एक सेल डाउन हो गया, मतलब आपके बाकी के सारे वैल्यूज वहाँ के वहाँ है, आपका कोई भी टेबल का एरिया नहीं हिला है, बस आपका वो स्पेसिफिक सेल डाउन हो चुका है। अभी आपको ऐड करना है कम्प्लीटली रो, मतलब आपको यहाँ पर एक नया एक रो ऐड करना है। ये समझने के लिए यहाँ पर मैं छोटा सा डेटा डाल देता हूँ तो आपको वो समझने के लिए आसानी होगा कि यहाँ पर सच में एक रो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं एक सेल पे राइट क्लिक कर देता हूँ, सेल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट दबा देता हूँ तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है तीसरा एंटायर रो, तो एंटायर रो सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा तो देखो आपके सामने एक पूरा का पूरा नया एक रो ऐड हो गया। आपका ऊपर का भी डेटा नहीं हिला, नीचे का भी डेटा नहीं हिला। तो लोग इस तरह से मिस्टेक्स कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कभी कौन से ऑप्शंस यूज करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो सारे क्वेरीज मुझे आप पूछ लीजिए। अभी हम कॉलम का इंसर्ट करेंगे। चलो मैं जी में जाता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे एफ और जी के बीच में कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट का बटन दबा दूंगा। इंसर्ट का बटन दबाने के बाद मुझे एंटायर कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। देखो, एक पूरा का पूरा कॉलम ऐड हो गया। दोस्तों, जब भी एक कॉलम ऐड होता है ना, तो उसके पहले वाला जो कॉलम होता है वो कॉलम की सारी प्रॉपर्टीज लेके वो कॉपी हो जाता है, वो रेप्लिका बना देता है। दैट मीन्स अगर ये कॉलम में मेरे येल्लो कलर है तो वो नया कॉलम बनाते वक्त यहाँ पर येल्लो कलर लेगा। मैं आपको एक और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अभी मैं जाके जी और एफ के बीच में एक राइट क्लिक करके एक इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम। तो देखो, इस जो एफ कॉलम में अभी जो ग्रीन कलर था ना, वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज लेके वो एक नया कॉलम बन गया। वहाँ का वो टेक्स्ट नहीं उठाएगा, बट वहाँ की जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेटिंग रहेगी वो फॉर्मेटिंग लेके वो एक नया कॉलम बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह से सिस्टम में कॉलम्स और रोज बनते हैं। अपने आप में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगी वो कुछ इसके लिए मुझे आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए। जो भी आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा उससे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझेगा। और हमेशा ये वीडियो देखते रहिए। आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो डेफिनेटली प्लीज़ एक लाइक ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।